लिमिट पे बेस कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे अपन। और तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ है कोई फंक्शन जो आर टू आर में डिफाइन है। पी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ टू इक्वल्स टू फोर। एफ ऑफ टू पे वैल्यू फोर है एंड एफ डैश टू पे वन है। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टू माइनस फोर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इज। तो कोई फंक्शन दे रखा है, उस पे एफ ऑफ टू पे वैल्यू फोर दे रखी है, एफ डैश टू पे वन दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ ये निकालना है लिमिट पे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो फॉर्म चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर एफ ऑफ टू माइनस फोर एफ ऑफ एक्स की जगह डाल देते हैं टू एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा टू माइनस टू, ये है 0/0 फॉर्म। क्लियरली दिख रहा है? तो यहाँ लगेगा LH रूल, क्योंकि अपन को f ऑफ टू दे रखा है और ये उसका डेरिवेटिव दे रखा है, यानी इसका यूज आएगा। तो अपन देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एफ ऑफ टू माइनस फोर इंटू एफ ऑफ टू, नहीं होगा यहाँ एफ एफ डैश एक्स होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। एक्स का डेरिवेटिव होगा वन और टू जो कांस्टेंट है उसका होगा 0। इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 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 एक्स एफ ऑफ टू माइनस फोर एफ डैश एक्स। अब अपन हर जगह जो लिमिट है वो रख देते हैं। तो टू इंटू एक्स की जगह रखा टू, एफ ऑफ टू पे है फोर माइनस फोर एफ डैश एक्स है, तो ये हो जाएगा एफ डैश टू जो कि है वन के इक्वल। तो ये हो जाएगा टू इंटू टू यानी फोर, फोर इंटू फोर हो गया 16 माइनस फोर, तो फाइनल अपना आंसर आया 12। तो इसका आंसर आएगा 12।